उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भव्य से ऊपर भव्य बनाने का हर संभव योगदान कर रही है, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी देश में समर्पण राशि एकत्र करने का अभियान चलाया, तो वहीं प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री व बदायूं शहर विधायक ने अपनी भगवान राम के श्रद्धा भाव का एक अनूठा परिचय दिया। उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में जो भी उपहार उन्हें भेंट में मिले थे, आज उन सभी उपहारों की प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी के दौरान भगवान राम की पूजा आराधना भी। राज्य मंत्री ने इस प्रदर्शनी का व्यापक प्रचार प्रसार कर यह घोषणा की थी कि इन उपहारों के बदले जो भी धन अर्जित होगा उसे राम मंदिर निर्माण में समर्पित कर देंगे। इस प्रदर्शनी में न केवल जनपद बदायूं के लोग आए बल्कि प्रदेश के कई शहरों से लोग आए। राज्य मंत्री के उपहारों के बदले धन अर्पण किया इस प्रदर्शनी में उपहारों से लगभग 51 लाख रुपए अर्जित हुए जो राम मंदिर निर्माण में समर्पित किए जाएंगे। इस अनूठी प्रदर्शनी की खास चर्चा हो रही है, आइए स्वयं राज्य मंत्री महेशचंद गुप्ता की जुबानी सुनते हैं कि उनके इस तरह के कार्यक्रम के पीछे उनकी क्या भावना थी। आपको बताते चलें, नगर विकास राज्य मंत्री महेशचंद गुप्ता पूर्व में भाजपा जिलाध्यक्ष भी रहे, एक बार शहर से विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री हैं। सभी जानते हैं कि उनका स्वभाव बहुत सरस और सरल है, सभी के कार्यों में वो तत्पर रहते हैं, आम जनता के और विकास के कार्यों में उनकी तत्परता मिसाल रहती है। महेशचंद गुप्ता का नारा भी है, हर बोलो अच्छा सोचो अच्छा होगा। मेरे मन में ये भाव आया कि 1528 में बाबर का सेनापति मीर बाकी ने हमारी राष्ट्र की धरोहर हमारे प्रभु राम का मंदिर जिन्होंने ध्वस्त कराया था, और तब से अब तक जितने भी उसमें बलिदान हुए हैं, कितनी माताओं ने अपने बेटों का बलिदान कर दिया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान कर दिया, कितने पुत्रों ने अपने पिता का बलिदान कर दिया, और कितने ऐसे समर्पित नाम हैं जिनके हम नाम नहीं जानते, उन्होंने बलिदान कर दिया। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं, वो दिन हमको देखने को मिल रहा है कि आज राम मंदिर बनने जा रहा है, और उसके लिए मेरे मन में ये भाव आया। अभी हमारे तरफ से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अभियान चला गया, उस अभियान में अभी हम लोग लगे, हम सब ने विशेष रूप से चंदा दिया, जो भी कुछ कर सकते कर दिया। अचानक मेरे मन में ये भाव आया कि इतने से मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई, फिर मेरे मन में भाव आया कि जो भी मैं विधायक बनाऊं, मेरे मंत्री काल में जितने भी मुझे उपहार मिले हैं, जो भी कुछ है वो प्रभु राम को समर्पण कर दिया मैंने, लेकिन अब ये उपहार वहाँ पहुँच नहीं सकते। फिर मन में ये भाव आया कि वास्तव में जिन्होंने मुझे सम्मान सहित ये उपहार दिए हैं, मैं उनकी पूजा करूं। मैंने आज उनकी सबकी पूजा की है, और पूजा के बाद मैंने उस परमपिता परमेश्वर हरि बोल से ये प्रार्थना की है, हे हरि बोल महाराज, जो भी ये उपहार अपने अपने घरों में ले जाएंगे, सजा के रखेंगे, उनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो, हरियाली हो, उनके घर में सुख में जीवन हो, सुरंग में वातावरण हो, ऐसी मैंने उस हरिबोल महाराज से प्रार्थना की है। और मैं जानता भी हूँ, क्योंकि सत्य बोलते बोलते सत्य होता है, हृदय से कुछ मांगोगे तो परमात्मा जरूर देते हैं, तो मैंने यही सबको मांगा है। आज फिर सबकी प्रदर्शनी लगाई है मैंने, लोग इसके इसका प्रचार प्रसार हुआ है, लोग सब लोग आए हुए हैं, और आकर वो एक एक आइटम, एक एक उपहार को, एक एक स्मृति चिन्ह को लेंगे, और जो उनकी स्वेच्छा से जो राशि होगी, समर्पण राशि होगी, सहयोग राशि होगी, वो राशि आज ही सब इकट्ठी होगी और प्रभु राम के मंदिर को चली जाएगी। तो मैं अपने के लिए धन मानूंगा, अपने लिए सौभाग्यशाली मानूंगा कि मेरा मन इस चीज़ में लगा है।